हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकी एस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि रियलमी सी 30S में आप ऐप लॉक का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है ऐप लॉक, और आपको इस वाली ऐप लॉक को इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ से लॉक सेट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार फिर से कंफर्म करेंगे, यहाँ से एग्री एंड स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स शो हो जाएंगी। आपको जिस भी ऐप को लॉक लगाना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि ये मैंने गूगल प्ले स्टोर पर किया, और यहाँ से परमिट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको ऐप लॉक को अलाउ कर देना है। जैसे ऑन कर देंगे, फिर से परमिट पर क्लिक करेंगे, और फिर से आपको यहाँ से ऐप लॉक को ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी ऐप्स को लॉक लग चुका है। चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले इनको अनलॉक कर लेते हैं। आपको सिंपली ऐप के नाम के सामने बने हुए लॉक के निशान पे क्लिक करना है। अनलॉक अनलॉक, ऐसे आपको वन बाई वन सभी ऐप्स को अनलॉक कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऐप्स अनलॉक हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी ऐप्स अनलॉक हो चुकी है। और दोस्तों अब आपको जिस भी ऐप को लॉक लगाना है आपको सिंपली उसके नाम के सामने बने हुए इस लॉक के निशान पे क्लिक कर देना है, तो ऐप को लॉक लग जाएगा। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर को लॉक लगा कर दिखा देती हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ऐसे आप यहाँ पे और भी ऐप्स को लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार प्ले स्टोर ओपन करके दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्ले स्टोर है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्ले स्टोर को लॉक लग चुका है। ऐसे आप अपने फ़ोन में भी और भी ऐप्स को लॉक लगा सकते हैं।